हेलो एवरी वन एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइज इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ की जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर एक नया लेक्चर ऑन फिलेडेल्फिया डिक्लेरेशन ये डिस्कस हम करेंगे फिलेडेल्फिया डिक्लेरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दो हज़ार सत्रह में जो एओ यू का एग्जाम हुआ था उसके अंदर इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन भी आया था तो फिलेडेल्फिया डिक्लेरेशन को अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कोई बहुत लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है अगर आप गूगल पे जाके फिलेडेल्फिया डिक्लेरेशन का डॉक्यूमेंट देखोगे सो तो तीन से चार पेज का डॉक्यूमेंट है तो छोटा सा ये लेक्चर होगा और फिलेडेल्फिया डिक्लेरेशन में से इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आया तो वो आपका गलत नहीं होगा वो भी गारंटी है ओके सो विल डू विद फिलेडेल्फिया डिक्लेरेशन इन दिस लेक्चर पी फाइल आप जानते हो अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता है लिंक डिस्क्रिप्शन में है बट अगर आपने एम सी क्यू कॉम्बो कोर्स लिया हुआ है तो आपको पी डी एफ के एक्सेस के लिए अलग से पे करने की जरूरत नहीं है एम सी क्यू कॉम्बो कोर्स के अंदर वो इंक्लूडेड है रिलेशन लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी गैप के इसमें एम सी क्यूज हैं एडिशनली कुछ एम सी क्यूज लिमिटेड नंबर ऑफ एम सी क्यूज फॉर इंश्योरेंस एंड ऑडिटिंग आर ऑल्सो एडेड इन टू इट ठीक है तो वो भी आप देख सकते हो एंड यू पी एस सी ई पी एफ ओ कोड यूज़ करके फिफ्टी परसेंट आपको इसमें ऑफ भी मिल जाएगा तीन सौ रुपये का कोर्स पड़ता है लेकिन लास्ट के एक मंथ में काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है तो क्वेश्चन ये पूछा गया था 2017 के ए एग्जाम में ठीक है जी ये एज इट इज क्वेश्चन आया था कि इनमें से क्या एम एंड पर्पज नहीं है आई की फिलेडेल्फिया डिक्लेरेशन के हिसाब से ऑप्शन ए लेबर इज नॉट अ कमोडिटी ऑप्शन बी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन आर एसेंशियल टू सस्टेन्ड प्रोग्रेस ऑप्शन सी पॉवर्टी एनी वेयर कॉन्स्टिट्यूट डेंजर टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर ऑप्शन डी द वॉर अगेंस्ट

सो आई एल ओ डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें तो भैया जी ये जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी आई एल ओ की ठीक है जी आई एल ओ का बेसिकली ये ट्वेंटी सिक्स सेशन था जो फ़िलाडेल्फिया में बेसिकली रखा गया था टेंथ में नाइनटीन फोर्टी फोर को और जो बेसिकली ये डिक्लेरेशन थी इसके अंदर जो एम एंड पर्पस है आई एल ओ का और जो प्रिंसिपल्स हैं उनको एक तरीके से रीफ्रेम किया गया था तो टेंथ में 1944 को ये आपकी फ़िलेडेल्फिया डिक्लेरेशन साइन की गई थी इन फ़िलेडेल्फिया जहां पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ट्वेंटी जनरल कॉन्फ्रेंस जो है वो रखा गया था अब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो बेसिकली कॉन्फ्रेंस ने बोला कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं ठीक है थीके? या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो गवर्नमेंट्स को फॉलो करने हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड वो क्या है तो पहला था कि लेबर इज नॉट अ कमोडिटी कि लेबर को एज अ कमोडिटी ट्रीट ना किया जाए ठीक है लेबर क्योंकि लेबर जो है वो एक ह्यूमन एलिमेंट इट इज़ नॉट अ मशीन कि जिसको आप एज अ कमोडिटी ट्रीट कर रहे हो कि मार्केट में जाकर के हाँ भाई ये लेबर का प्राइस है और ये गुड्स प्रोडक्शन करने का एक सोर्स है नो लेबर इज नॉट अ कमोडिटी उसके बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन बेसिकली यहाँ पर जो ट्रेड यूनियंस में लेबर अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करने का एक सिस्टम है उसको ये बेसिकली प्रिंसिपल जो है वो हाईलाइट करता है एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन का तीसरा कहता है कि देखो जी अगर पॉवर्टी कहीं पर भी है ना तो उससे प्रॉस्पेरिटी हर जगह पर इफ़ेक्ट होती है मैं आपको एक सिंपल सा इसका एग्जाम्पल देता हूँ कि अब फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर कंट्री है कोई अफ्रीका की कंट्री है उसके अंदर पॉवर्टी है ठीक है एंड बिकॉज ऑफ़ दैट पॉवर्टी जो बंदा उस पॉवर्टी में है वो टेररिस्ट ग्रुप्स के लिंक में आ गया क्योंकि वो बहुत पुअर है उसके पास एंड्स भी नहीं मीट हो रहे उसके ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल हमारे केस में ले लो इंडिया के केस में कि भाई कसाब आया था तो जब कसाब छब्बीस ग्यारह में आया और उससे फिर बातचीत की गई बाद में पकड़ने के बाद तो पता चला कि वो बहुत गरीबी से निकल करके आया तो वो टेररिस्ट ग्रुप्स ऐसे लोगों को पकड़ लेते हैं क्योंकि गरीबी

स्पेसिफिकली अगर हम इंटरनेशनल uh, uh, या लेबर रिलेशंस में बात करें कि जो वर्कर्स की जो डिमांड है या वॉन्ट है अगर उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो ये कहता है कि ये जो वॉर अगेंस्ट वॉन्ट है ना इसमें हर देश को काम करना है साथ के साथ इंटरनेशनल एफर्ट्स भी होंगे और जब हम बात कर रहे हैं कि देश को काम करना और इंटरनेशनल एफर्ट्स चाहिए तो इसमें वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी काम करेंगे सरकार के साथ मिलकर के ताकि एक फ्री फॉर्म में डिस्कशन हो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग हो तभी कॉमन वेलफेयर प्रमोट हो पाएगा तो ये चार बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर रीअफर्म किए गए अब जरा क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ क्वेश्चन क्या था मैं दोबारा से क्वेश्चन के ऊपर तुमको लेके चलता हूं नॉट अ पार्ट ऑफ द एम एंड ऑफ आई एल ओ फंडामेंटल प्रिंसिपल बेसिकली ये उन्हीं एम्स एंड की बात कर रहा है उन्हीं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है तो देखो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है लेबर इज नॉट अ कमिटी कॉमिडिटी ये हमसे पूछ रहा है नॉट कि भाई इनमें से कौन सा नॉट द पार्ट ऑफ है तो लेबर इज नॉट अ कमोडिटी है तो सीधा सीधा लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन आर एसेंशियल टू सस्टेन प्रोग्रेस ये भी एज इट इज लैंग्वेज लिखी हुई है पॉवर्टी एनी वी कॉन्स्टिट्यूट डेंजर टू प्रोस्पेरिटी एवरीवीयर ये भी एज इट इज लिखा हुआ है फिलेडेल्फिया डिक्लेरेशन में प्रॉब्लम है ऑप्शन नंबर डी में ठीक है ये स्टेटमेंट गलत है और क्योंकि ये गलत है तो ये हमारे लिए करेक्ट आंसर है क्योंकि हमसे गलत ही पूछा गया तो ये गलत

और इंप्लॉई के रिप्रेजेंटेटिव्स को ऑन इक्वल फुटिंग काम करना है सरकार के साथ मिलकर के ये देखो इक्वल स्टेटस विद दोज ऑफ गवर्नमेंट दो सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है है ना तो इसीलिए वो डी स्टेटमेंट उसका आंसर हो जाएगा ठीक है जी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी उसके बाद ये डिक्लेरेशन बात करती है सोशल जस्टिस की तो सोशल जस्टिस में ये क्या बोलती है कि ऑल ह्यूमन ऑफ रेस क्रीड और सेक्स हैव द राइट टू परस्यू बोथ देअर मटीरियल वेलबींग एंड द स्परिचुअल डेवलपमेंट इन कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड इक्वल अपर्चुनिटी ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डायरेक्टली ये स्टेटमेंट आपको दे देगा और क्या देगा बताओ ये किस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन का पार्ट है तो ये फिलोडिया डिक्लेरेशन का पार्ट है क्या बोलता है कि भाई जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं इट डज नॉट मैटर वो किस रेस को बिलोंग करते हैं किस क्रीड को बिलोंग करते हैं या सेक्स के मेल फीमेल दोनों आ गया जेंडर इक्वालिटी की भी बात होगी कि उनके पास अधिकार है कि वो अपने मटेरियल वेलबिंग well के लिए अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें और इसमें उनको पूरी फ्रीडम होनी चाहिए पूरी डिग्निटी होनी चाहिए साथ ही साथ उनके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ठीक है और ये जो मेन एम है जो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग का सेंट्रल एम होना चाहिए और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इकोनॉमिक या फाइनेंशियल पॉलिसीज फॉर्म हो रही हैं वो इस पर्टिकुलर फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करें ठीक है तो ये स्टेटमेंट याद रख लेना बाकी बी और सी पॉइंट तो इसी की एक तरीके से रेफरेंस है ये थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज याद रख लेना ताकि पेपर के अंदर वो पूछे तो आप इसको क्लियरली आंसर कर सको फिर आई एल ओ की कुछ ऑब्लीगेशन या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हाईलाइट यहां पर किया गया है पहले तो बोलता है कि आई एल ओ को यह देखना है कि फुल इंप्लॉयमेंट भैया बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए दुनिया में और एम्प्लॉयमेंट होगी तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का रेज होगा ठीक है उसके बाद जी वर्कर्स की जो इम्प्लॉयमेंट है सिर्फ नौकरी देना या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना एक एम नहीं होना चाहिए इंप्लॉयमेंट ऐसे ऑक्यूपेशन के अंदर होनी चाहिए जहां पर एक बंदे को काम करते हुए सेटिस्फैक्शन है ठीक है जहां पर बंदे को काम करते हो सेटिस्फेक्शन है अब आप दस काम करते हो देखो घर चलाने के लिए एक आदमी को दस काम करने पड़ते हैं अब मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी यूट्यूब के ऊपर ये फ्री लेक्चर में डाल रहा हूँ आपको क्या लगता है वो सौ रुपए की पी जो आप खरीद लेते हो तो उससे क्या मेरा खर्चा निकल जाता है वो सौ रुपए की पी जो है वो तो कुछ भी नहीं है उसमें तो उससे ज्यादा तो कॉस्ट होती है पढ़ाने की ठीक है लेकिन अल्टीमेटली वो सौ रुपए की पी वो मेरे लिए सौ रुपए नहीं है वो तो एक सीरियसनेस इंडल्ज करने वाला प्रोसेस है बच्चे के अंदर तो अल्टीमेटली मैं ये क्यों करता हूँ पढ़ाने का काम मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे बड़े सारे बच्चे बोलते हैं कमेंट में आता है कि सर व्यू कम है सब्सक्राइबर कम है लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ मैं चैनल के एंड में बोलता तो सब्सक्राइब करो चैनल को बट मेरा ऐसा नहीं है कि भाई अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है किसी ने व्यू देखा नहीं तो क्योंकि अपन अपना क्या है अपन पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहे कभी क्या आपता फ्यूचर के अंदर ऐसा माइंडसेट हो जाए कि भी पैसे के लिए भी पढ़ाना मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि आई एम नॉट महात्मा है ना तो अभी अपन पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहे क्यों पढ़ा रहे हैं मजा आ रहा है तो यहां पर आई एल ओ भी क्या बोल रहा है कि अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि काम कर रहा है उसको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए ठीक है वो अपने स्किल को पूरे तरीके से यूज कर पाए और नए स्किल्स को डेवलप कर पाए जिससे अल्टीमेटली दुनिया के वेल्पिंग well के अंदर काम हो सके वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सके वर्ल्ड वेलफेयर में उसके बाद जी वर्कर की ट्रेनिंग भी एक एस्पेक्ट होनी चाहिए ताकि उसकी स्किल अपलिफ्टमेंट हो ठीक है जी और ट्रांसफ़र ऑफ लेबर जैसे कि माइग्रेशन सेटलमेंट ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाते हैं उसके अलावा वेजेस एंड अर्निंग से रिलेटेड पॉलिसीज होनी चाहिए कि उसको मिनिमम लिविंग वेज मिल रही है या नहीं मिल रही है ठीक है जिससे उसका खर्चा तो निकल पाए जो उसकी बेसिक एक्सपेंडिचर हैं वो तो पूरे हों जो आवर्स हैं काम करने के क्या वो प्रॉपरली रेगुलेटेड है ऐसा तो नहीं है कि चौबीस में से पंद्रह घंटे आप उससे काम करवा रहे हो ठीक है जी उसके बाद कलेक्टिव बारगेनिंग का कंसेप्ट आ जाता है जो बेसिकली कॉपरेशन ऑफ मैनेजमेंट की बात करता है कि भाई मैनेजमेंट और लेबर आपस में कॉपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कॉपरेट करेंगे तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी इंप्रूव होगी तो कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कर्स और इंप्लायर्स का तो उसको भी आई ने एनकरेज करना है उसके बाद जी सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को एक्सटेंड करना है ताकि एक तो बेसिक इनकम जो मिनिमम इनकम वाली बात हो गई या मेडिकल केयर आ गया लाइफ एंड हेल्थ प्रोटेक्शन वर्कर्स के लिए कि जो वो जहां पर वो काम कर रहे हैं वो प्रॉपर सेफ एन्वायॉयरमेंट उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड और मेटर्निटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना न्यूट्रिशन हाउसिंग फैसिलिटी रिक्रिएशन एंड कल्चर एंड फाइनली एजुकेशनल एंड वोकेशनल अपॉर्चुनिटी तो ये आई एल ओ की ऑब्लिगेशन है तो अल्टीमेटली आई एल ओ जो भी पॉलिसीज बनाएगा वो इन ऑब्लीगेशन को ध्यान में रखते हुए बनाएगा ठीक so, है में से अगर सवाल दोबारा तो आपका गलत नहीं होगा ठीक है अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में अगेन कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे आप लिंक डिस्क्रिप्शन में बात कर सकते हो व्हाट्सएप कर सकते हो मेल कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में जरूर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो प्लीज मैं बार बार ही रिक्वेस्ट करता हूँ बट फिर भी बच्चे मान नहीं रहे हैं इस पर डायरेक्टली कॉल मत किया करो ठीक है ये मेरा पर्सनल नंबर है मैं मैंने किसी सपोर्ट पर्सन का नंबर नहीं आपको दिया हुआ मेरे पास कोई सपोर्ट पर्सन एक्चुअली है ही नहीं तो ये मेरा पर्सनल नंबर है तो अब इस पर्सनल नंबर के ऊपर मैं फॉर एग्जाम्पल अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए और इस टाइम पर फोन बच जाए मैं उठा नहीं पाऊंगा ठीक है या मैं कुछ और काम कर रहा हूँ तो आप मुझे व्हाट्सएप करो व्हाट्सएप करोगे उसी टाइम अगर मैं फ्री हूँ तो मेरा साथ के साथ मैसेज आएगा कि हाँ जी कॉल कर लो नहीं तो हम एक टाइम सेट कर लेंगे कि हाँ जी इस टाइम पर आप कॉल कर लो डायरेक्टली कॉल करते हो तो वो थोड़ा इशू क्रिएट हो जाता है ओके चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टिल देन टेक केयर एंड बाय